हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंड यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 6 माइक वाला ये बोर्ड। इसके साथ दोस्तों ये इको डिले वाला बोर्ड है और इसके साथ दोस्तों ये गेन बूस्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 6 IC से बना हुआ है 5532। ठीक है, 5532 IC से बना हुआ है दोस्तों ये 6 माइक का बोर्ड। और यहाँ पर दोस्तों 6 P35 सॉकेट लगा हुआ है जो कि माइक सॉकेट है। और यहाँ पर माइक इनपुट है जो कि मेरे ये माइक इनपुट है दोस्तों, ये डायनामिक माइक। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इसको, इस बोर्ड को चलाने के लिए 1212 ड्यूअल सप्लाई का यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पास है 1 एम्पियर का 1212 ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा बोर्ड है, ये इको रिवर्ब वाला बोर्ड है, डिले वाला बोर्ड। ये दोस्तों हमारा 12 वोल्ट DC पर चलता है और यहाँ पर 8805 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो IC PT2399 जो कि इको प्रोसेसर IC है। और दोस्तों इसको चलाने के लिए यहाँ पर मेरे पास छोटा सा एक ट्रांसफार्मर है जो कि 0/12 500 mA का है। और ये दोस्तों हमारा गेन बूस्टर है, इसका इन दोनों का गेन ये बढ़ाएगा और मेन आउटपुट ये करेगा। ठीक है, ये हमारा मेन एम्पलीफायर पे जा रहा है। और दोस्तों ये जो है ये भी 4558 IC से बना हुआ है, 12 वोल्ट से ये चलता है, ये भी इससे चल रहा है दोस्तों। मतलब इन दोनों ये ट्रांसफार्मर से चल रहा है और ये जो बोर्ड है माइक वाला ये हमारा इस ट्रांसफार्मर से चल रहा है। तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से है दोस्तों, यहाँ पर 1212 का कनेक्शन है और इस बोर्ड का जो ऑडियो आउटपुट है वो इस वायर के थ्रू जा रहा है इस बोर्ड के इनपुट पर। ठीक है, और ग्राउंड भी मैंने यहाँ पर से ले लिया है जो कि इस बोर्ड के ग्राउंड पर कनेक्ट है, क्योंकि दोस्तों दो अलग अलग ट्रांसफार्मर है इसलिए ग्राउंड को बोर्ड पर कनेक्ट करना होगा, इस बोर्ड से लेकर इस बोर्ड तक। और दोस्तों इस बोर्ड का जो 12 वोल्ट प्लस और ग्राउंड है वो मैंने इसी बोर्ड से लगा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट प्लस और ग्राउंड है, मतलब जो DC हो रहा है DC 12 वोल्ट प्लस और ग्राउंड है, और इसका भी 12 वोल्ट प्लस और ग्राउंड है। और दोस्तों इस बोर्ड का जो आउटपुट है वो जा रहा है डायरेक्ट हमारे गेन बूस्टर के इनपुट पर। ठीक है, और गेन बूस्टर से जो आउटपुट हो रहा है वो इस वॉल्यूम के थ्रू, ये स्टीरियो गेन बूस्टर है दोस्तों, इस वॉल्यूम के थ्रू जा रहा है हमारे ऑक्स सॉकेट पर जो कि मेरे एम्पलीफायर कनेक्ट है। ठीक है, यही बस कनेक्शन है। और इनका दोस्तों ये वॉल्यूम है, ये मेन वॉल्यूम, ये डिले और ये इको रिवर्ब। ठीक है, और हमारा मेन मास्टर वॉल्यूम होगा ये हमारे गेन बूस्टर का। ठीक है दोस्तों, और ये वायर कुछ भी नहीं है, ये जस्ट लगा हुआ है। ठीक है, कनेक्शन नहीं है इसका। और दोस्तों यहाँ पर माइक देख सकते हो, यहाँ पर इनपुट है 1 2 3 4 5 6 इनपुट है जो कि माइक पर यहाँ पर कनेक्ट है, और ग्राउंड सभी का एक करके मैंने बोर्ड पर डाल दिया है। और ये हमारा दोस्तों, मेरे पास नॉब खत्म हो गया इसलिए नॉब लगा नहीं पाया दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 6 वॉल्यूम है जो कि माइक का है। तो चलिए अभी इसका टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग इस बोर्ड को घर पर बनाना चाहते हो तो इस बोर्ड का जो PCB लेआउट है वो भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस दोनों बोर्ड को खरीदना चाहते हो दोस्तों, दोनों बोर्ड का प्राइस मैं अंत वीडियो के अंत पर बताऊंगा, इन दोनों बोर्ड प्लस गेन बूस्टर। और अगर आप लोग ये बोर्ड और गेन बूस्टर चाहते हैं फिर ये भी मिल जाएगा अलग से, और अगर आप लोग सिर्फ ये 6 माइक का बोर्ड और गेन बूस्टर चाहते हैं वो भी अलग से मिल जाएगा, और अगर आप पूरा चाहते हैं वो भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं वीडियो के अंत पर प्राइस बताऊंगा, तो पहले मैं टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये अभी कनेक्ट है मेरे एम्पलीफायर से, तो अभी यहाँ पर दोस्तों कोई भी नॉइज नहीं है। यहाँ पर ये हमारा इस माइक का वॉल्यूम फुल है और यहाँ पर मेरा माइक का इनपुट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर माइक का इनपुट है, तो चलिए यहाँ पर मैं सुना देता हूँ। हेलो चेक हेलो। यहाँ पर दोस्तों कोई भी इको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ है सभी, तो चलिए इसको ऑन करते हैं रिवर्ब इको को। हेलो 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 चेक
हेलो माइक चेक, हेलो हेलो, तो डीले को ऑन करते हैं। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हाय चेक, हेलो हेलो, वन टू थ्री चेक, माइक चेक। देख सकते हो दोस्तों बढ़िया तरीके से वर्किंग कर रहा है ये, ठीक है। हेलो चेक, हेलो माइक चेक। तो दोस्तों ये हमारा माइक 6 है, ठीक है, जो कि फुल है, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया है। तो माइक 5 को दिखाऊंगा अभी, तो इसको खोल लेते हैं दोस्तों इनपुट को और 5 पर लगा लेते हैं, और 5 का वॉल्यूम मैं यहाँ पर से फुल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो 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 चेक, हेलो, बढ़िया तरीके से वर्किंग है, सुन सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर माइक 5 भी बढ़िया वर्क कर रहा है, अभी माइक 4 को देखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर माइक का इनपुट दे रहा हूँ 4 पर, फुल कर दे रहा हूँ इसका वॉल्यूम। चेक, हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो, ये हमारा वॉल्यूम है। हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो हेलो चेक। आप लोग यहाँ पर से भी कंट्रोल कर सकते हो। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, बढ़िया तरीके से वर्किंग है, वन टू थ्री, माइक चेक, हेलो चेक, हेलो। यहाँ पर दोस्तों माइक 4 हो गया है, अभी माइक 3 को दिखाएंगे, फुल कर दिया है वॉल्यूम को। हेलो चेक, हेलो माइक चेक, टेस्टिंग, हेलो, ये भी काम कर रहा है बढ़िया। अभी माइक 2 को देखेंगे, ये माइक 2 है, तो यहाँ पर माइक 2 का इनपुट दे दिया है मैंने, ऑन कर दिया है साउंड को। हेलो चेक, माइक चेक, हेलो, वन टू थ्री, देख सकते हैं दोस्तों माइक 2 भी बढ़िया काम कर रहा है। तो अभी माइक 1 को देखेंगे, फुल कर दिया है मैंने इसको भी। हेलो चेक, हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक, वन टू थ्री, देख सकते हो बढ़िया तरीके से वर्किंग है। दोस्तों अगर आप लोग इस बोर्ड को नहीं चाहते हो तो यहाँ पर से नॉर्मल दोस्तों आवाज निकलेगा, ठीक है, कोई भी इको डिले नहीं होगा। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइक टेस्टिंग, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सुन सकते हो दोस्तों बढ़िया तरीके से इको हो रहा है यहाँ पर। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक। और यहाँ पर दोस्तों माइक का जो आवाज है वो काफी अच्छा है दोस्तों, एकदम क्लियर आवाज है। तो दोस्तों यहाँ पर टेस्टिंग हमारा कंप्लीट है और ये सक्सेस है। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसको खरीदना चाहते हो, सिर्फ ये सभी को, मतलब ये जो सभी पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर सभी मिलेगा, कुछ इस तरीके से वायरिंग करके सभी मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पर नॉब भी लगा होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो माइक इनपुट का सॉकेट देख रहे हो, ये भी आप लोगों को मिलेगा, सब कुछ वायरिंग करके मिलेगा दोस्तों। और ये गेन बूस्टर, ये बोर्ड मिला के टोटल 1300 रुपए में मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है, इसका प्राइस टोटल 1300 रुपए है। और दोस्तों अगर आप लोग इस बोर्ड को और गेन बूस्टर को खरीदना चाहते हो तो 850 रुपए में ये आप लोगों को मिल जाएगा, डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा 50 रुपए लगेगा, टोटल 900 रुपए में, ठीक है। ये हमारा 6 माइक का बोर्ड और ये गेन बूस्टर टोटल 900 रुपए में आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग ये इको वाला बोर्ड और गेन बूस्टर चाहते हैं तो इसका प्राइस दोस्तों टोटल डिलीवरी मिला के 700 रुपए होगा, ठीक है। और आप लोग पूरा का पूरा अगर लेना चाहते हो तो 1300 रुपए में मिल जाएगा होम डिलीवरी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर बना के ही इसका डीसी सप्लाई इनपुट देना है, इसको डुअल सप्लाई देना है 12012 1 एम्पियर, और इसका दोस्तों सिर्फ 12 वोल्ट, इन दोनों का सिर्फ 12 वोल्ट दोस्तों, 500 मिली एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर तक आप लोग इसमें डीसी सप्लाई दे सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश में रहूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, और जितने रहिएगा मेरा ये चैनल सैंड यूट्यूब दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।